नमस्कार दोस्तों, टेक्टिवर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शादाब अशरफ और आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट ऐप्स के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बेस्ट ऐप्स के बारे में जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आइए कैमरे की पोजीशन ठीक करते हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो मोबाइल। और यहाँ पे पहले ऐप हमारे पास है प्रिज्मा, यहाँ से आप फोटोज सेलेक्ट कर सकते हैं और फोटोज को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, मैं अभी मोड्स दे करके अपनी मैंने फ़ोटो खींची थी इसके फ्रंट कैमरे से और इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये कन्वर्ट हो रही है डिज़ाइन में और डिफरेंट डिफरेंट लुक्स आप देख सकते हैं अपनी फ़ोटो को। और जैसे ही मैंने लुक दिया है यहाँ से आप स्क्रीन पे ऐसे जाकर डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। मोबाइल में इस ऐप के अंदर कई सारे मोड हैं जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। मैं मोड चेंज करके एक बार दिखाता हूँ आपको दूसरा। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है देखने में। तो बेसिकली दोस्तों हम वो ऐप्स आपको दिखाएंगे जो हम खुद अपने लिए यूज़ करते हैं और जो बेस्ट हमको लगती हैं वही आपके पास हम लेके आएंगे आगे भी। तो इस ऐप को भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपना फोटोज़ वगैरह एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी ऐप है और डिफरेंट डिफरेंट और भी इसमें डिज़ाइन वगैरह दिए गए हैं आगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी है ये ऐप। और यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कितना आपको फाइल का साइज रखना है के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह से थी ऐप। तो आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरी ऐप के बारे में जो है वाईफाई मैपर। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं वाईफाई हैक करने में। मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, हैक तो नहीं हो सकता। ये ऐप आपको फ्री लोकेशन वाईफाई की लोकेशंस बता सकती है जो नियर बाई आपके अवेलेबल है और जो फ्री नेट कनेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी तो नहीं दिखा रहा है, मैं अपना पहले एनेबल करता हूँ डेटा को ताकि मैं सर्च कर सकूँ आसपास कोई फ्री वाईफाई है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वाईफाई मैपर को आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो अपना डेटा कनेक्शन ऑन कर लेना है और साथ साथ जीपीएस को भी ऑन कर लेना है। तो इससे पता लग सकता है कि नियर बाय में कोई भी अगर फ्री वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल होगा तो ये ऐप आपको ढूंढ के बता देगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, नियर बाय अभी फ्री कुछ नहीं दिखा रहा है, अभी एक नीचे हिंदुस्तान का कनेक्शन आ रहा है वाईफाई का जो भी प्रोटेक्टेड है। तो दोस्तों और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको ताकि ये सर्च कर पाए, और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अभी सर्च कर रहा है साइड में और अभी तक तो अवेलेबल नहीं आया है, हो सकता है साइड में आसपास कोई ना हो। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने और थोड़ा सा जूम आउट किया तो नीचे कुछ लिस्ट आ गई है फ्री वाईफाई अवेलेबल जिस पे हैं। तो जिस पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों फ्री लिखा हुआ है, वो फ्री वाईफाई अवेलेबल है उस एरिए में। यहाँ से ये लोकेशन बता रहा है इसकी 1.3 किलोमीटर नियर बाई में, 1.6 किलोमीटर उत्तम नगर द्वारका, सारी लोकेशंस हैं और ये सारे फ्री वाईफाई अवेलेबल हैं, पर जो आप देख पा रहे हैं ये प्रोटेक्टेड है, ये फ्री अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस ऐप का, ये बस वाईफाई फ्री में आपको आसपास अगर कोई है अनप्रोटेक्टेड वाईफाई तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू सर्च कर सकते हैं। बस इतना ही इसका इस ऐप का काम है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये भी एक ठीक ठाक ऐप लगी मुझे तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है WPS ऑफिस, ये भी एक ऐप है इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे PDF फाइल वगैरह अगर होती हैं मोबाइल के अंदर, ये PDF फाइल वगैरह भी ओपन करके दिखा सकता है, इसलिए PDF फाइल वगैरह ओपन हो जाती हैं इसके अंदर WPS में। और साथ साथ आप इसके अंदर वर्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना हो, कोई प्रेजेंटेशन आपको बनानी हो, कोई स्प्रेडशीट आपको बनानी हो, तो इस ऐप के थ्रू आप वो भी ईजिली बना सकते हैं। ये जैसे एक्सेल आपको पता होगा, एक्सेल की तरह ही सेम स्प्रेडशीट भी काम करती है ये WPS की, वैसे ही डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपको कोई बनाना हो तो इसमें डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेम
इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, इसको लॉक भी कर सकते हैं, और पेज पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, पेज का सेटअप मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, सेम जैसा आप वर्ड कंप्यूटर में यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। पैराग्राफ वगैरह भी आप दे सकते हैं, सेंटर में लेना है आपको, साइड में लेना है पैराग्राफ को, और जस्टिफाई करना है या इस लेफ्ट साइड में लेना है, इस तरह से फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और बाकी बात करें आगे, इसको डोंट सेव कर देते हैं, और प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन भी आप इसमें बना सकते हैं, और जैसे ये नीचे स्लाइड्स आ जाती हैं नॉर्मल नॉर्मल जैसे आप देखते होंगे पावर पॉइंट में, सेम उसकी कॉपी है WPS में। और नीचे प्रेजेंटेशन आती है, स्लाइड वन, आप स्लाइड यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आपको अगर कुछ लिखना है यहाँ पे टैप करके या कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे जा करके नीचे व्यू में आएंगे, फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल मतलब चेंज कर लीजिए, फॉन्ट दे दीजिए, एलियन कर दीजिए इसको, और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, आप जब डाउनलोड कर लेंगे इस ऐप को तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लगी मुझे तो मैंने आपके साथ शेयर करा, और उस फाइल को आप अपना सेव करना चाहें डिवाइस में या मेमोरी कार्ड में तो आप सेव भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली जो ऐप है वो है गूगल का नाउ लॉन्चर। काफ़ी अच्छा लॉन्चर है दोस्तों, इसको मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। ये आपको एक्सपीरियंस सेम वन प्लस थ्री में भी देखने के लिए मिलता है, सेम उसी का गूगल लॉन्चर है, हमने इसमें इंस्टॉल किया है, सेम एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अच्छा है और इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इस तरह से आता है गूगल का नाउ लॉन्चर, और काफ़ी हल्का भी है, वर्क करने के लिए काफ़ी आसान है। आप एक बार इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगेगा गूगल का नाउ लॉन्चर। और गूगल का सारा अलग एक बॉक्स में फोल्डर में आ जाता है, प्ले स्टोर से जुड़ी हुई सारी सर्विसेज प्ले स्टोर में आ जाती हैं, तो इस तरह से ऑटोमेटेड फॉर्मेट में सेव हो जाता है। काफ़ी अच्छा है, इजी टू हैंडल है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। लेनोवो का लॉन्चर है, इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास जो अगली ऐप है वो है एयरड्रॉइड। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी ऐप है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों एयरड्रॉइड जो है ये आपके फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को रिमोट कर देती है आपके डेस्कटॉप के साथ। जैसे कि लैपटॉप रखा हुआ है अभी सामने, हम इस मोबाइल के साथ डेस्कटॉप को आपके रिमोट कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस है, आप उसको समझ जाएंगे तो काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं अपने मोबाइल को, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वर्क कर सकते हैं, रिमोटली वर्क कर सकते हैं। सारा डेटा आपके मोबाइल का आप अपने डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, एक बार ट्राई करेंगे आप तो आप समझ जाएंगे। आप जैसे इसमें देख पा रहे होंगे नीचे टूल्स आते हैं, टूल्स में आप अपनी फाइल्स को बैकअप कर सकते हैं। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन का ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, कोई भी अगर आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा तो आपके डेस्कटॉप पे उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है, उस तरह से आप थ्रेटरिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल को थ्रेटर्ड कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू अपना डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हैं किसी और डिवाइस के साथ। बाकी बात करें, फाइंड फ़ोन की लोकेशन बताता है, और अपने मोबाइल के बारे में बात कर लें, मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है अपनी आईडी के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी इसमें हम आपको रिमोट पे कैसे लेते हैं वो सारी बात करेंगे। और ये नियर बाई का ऑप्शन मिलता है, जो नियर बाई होगा रिमोट पे लेने के लिए वाईफाई के थ्रू, उसका ऑप्शन है, फ्रेंड फंक्शन दिया गया है, और इसमें ऐड डिवाइस भी कर सकते हैं किसी डिवाइस और कोई डिवाइस है, टैबलेट वगैरह उस पर भी इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। और अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड वेब का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अभी दोस्तों कनेक्ट करते हैं एक बार। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, मैं अपना लैपटॉप आगे करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, कैसे वर्क करती है ये एप्लीकेशन। ध्यान से देखिएगा, मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे इसका वेब का URL लिखना होता है, web.android.com।
जी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन खुलती है ऐप की, जैसे मोबाइल में खुलती है सेम ऐप की एप्लीकेशन है, वेब पे खुलती है और यहाँ पे साइन इन वगैरह के लिए बोलता है। अभी इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे QR कोड स्कैनर भी है, तो जैसा कि आप मोबाइल में भी देख पा रहे होंगे, वह जूम द्वारा मोबाइल पे करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है स्कैन का, इसको स्कैन करेंगे QR कोड को। माई डिवाइस स्कैन, ये कैमरा ओपन ओपन हो गया। यहाँ से हम इसको अभी स्कैन करते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के QR कोड को। जी हाँ दोस्तों, स्कैन हो गया है, अभी इसमें साइन इन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, आप डेस्कटॉप पे भी देख पा रहे होंगे, फ़ोन जो है वो रिमोटली कनेक्ट हो रहा है अपने डेस्कटॉप के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है, सारी सर्विसेज इसने ले ली हैं। साइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लेनोवो का पूरा डिटेल आ गई है, कितना स्टोरेज वगैरह है, कितनी यूज्ड है, सारी चीज़ें। यहाँ पे आप URL वगैरह देख रहे होंगे जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सर एड का कॉलम है और ये रिमोट का जो कनेक्शन हमें मिला है फ्री, वो भी 200 MB मिला है। और बैटरी के परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है, वाईफाई और नेटवर्क कनेक्टेड है। बाकी यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख पाएंगे ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन प्रीमियम में आती हैं जो हमें परचेज करनी पड़ती हैं, जो फ्री हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल है, ये पूरा रिमोटली हमारे मोबाइल को यहाँ से हैंडल कर रहा है। ये मोबाइल हमारा, इसको रख देते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हो, कुछ भी करना हो, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सेम कंप्यूटर की तरह ये काम करता है। आपका मोबाइल रिमोटली कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे आप सारी फोटोज वगैरह कुछ भी कॉपी पेस्ट डिलीट वगैरह कुछ भी करना हो तो यहाँ से यूज करके आप कर सकते हैं। बाकी कॉन्टेक्ट वगैरह हैं, कॉन्टेक्ट भी लोड हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट भी लोड हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं अपने मोबाइल के डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। और यहाँ से कॉल लोगो भी देख सकते हैं, क्या लॉक्स हैं कॉल के, वो सारा लॉक्स वगैरह लोड हो जाते हैं। कॉलिंग फीचर भी दिया गया है, यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपग्रेड टू प्रीमियम होने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से अगर आप प्रीमियम का फीचर परचेज कर लेते हैं तो ये फीचर भी आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी प्ले स्टोर का सर्च का ऑप्शन दिया गया है, कोई भी ऐप आपको सर्च करनी हो यहाँ से आप प्ले स्टोर पर सर्च करके डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो इस तरह से दिया जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। फोटोज़ वगैरह आप अपनी मोबाइल की देखना चाहें डायरेक्ट डेस्कटॉप पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं लोड कर पा रहा हूँ यहाँ पे अभी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये फोटोज़ लोड हो गई, थोड़ा टाइम लग रहा था, कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। ये फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे आप लोड भी देख सकते हैं, डिलीट वगैरह करना हो डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ से वॉलपेपर सॉरी डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी फोटोज़ डाउनलोड हो जाती हैं अगर आप डाउनलोड करना भी चाहें तो। ये फीचर है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ऐप, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। यूनिक फीचर दिया गया है तो इसके बारे में आप लोगों को अगर मालूम होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से साइन आउट का ऑप्शन दिया गया है, आप साइन आउट करके अपना ऐप के आंसर से बाहर आ सकते हैं। तो ये साइन आउट हो गया है, एड्रॉइड एप्लीकेशन का नाम है, इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। यहाँ से QR कोड के थ्रू भी आप इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं और ID से भी लॉग इन कर सकते हैं फेसबुक या ट्विटर या गूगल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो आपको मेन एप्लीकेशंस थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपके साथ शेयर करी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होंगी। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आगे भी जो भी लेटेस्ट एप्लीकेशंस आती रहेंगी उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम हमेशा अपनी वीडियोस की एंड में थोड़ी शेर व शायरी भी कर लेते हैं। दोस्तों आज का शेर ये है कि मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर हो यकीन कि खुदा देख रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये शेर आप गौर फरमाइएगा और इस पे अमल करिएगा कि हमें गुनाह वगैरह नहीं करने चाहिए, अच्छा नेक अमल करने चाहिए ताकि सबको अच्छा लगे और हम लोग अच्छे अमाल कर सकें। वैसे ही बहुत ही ज़्यादा आपको पता ही है, माहौल ख़राब है, दूर ही रहें हम लोग गुनाहों से तो ज़्यादा बेहतर है। और बस यही करना है, ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे बहुत बोलते हैं ये लोग। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।